स्लो पे करो यार, ये जो पति नाल होना तो कुड़ियां नहीं पे कर दिया, गर्लफ्रेंड्स नहीं पे कर दिया। पति किसे दा पति किसे दी कुड़ी नाल होंदा फेर आए सी, जदों अपनी पत्नी ना होंदा देन इट डजंट रिक्वायर। चल गया ना मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। फॉल सीजन ऑलमोस्ट आ चुका है यस। एंड हिम्मत का स्कूल शुरू हो चुका है, कल हिम्मत का पहला दिन था। मेरा प्लान था कि मैं वीडियो शूट करूँगी उसके फर्स्ट डे की, बट इतना ज़्यादा रश में हुआ एंड कल मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। आज भी बहुत मज़ेदार नहीं है, बैक में बहुत बुरी पेन है, पर मैंने सोचा कि आज व्लॉग करते हैं। और मैं मेरे घर को थोड़ा स्पाइस अप करना चाहती हूँ फॉल डिकोर के साथ, क्योंकि मेजॉरिटी जो मेरा घर है वो हरे रंग का दिखता है, लाइक प्लांट्स हैं, ग्रीनरी है, पर अब मैं थोड़े कलर्स लाना चाहती हूँ मेरे घर में फॉल के लिए, लाइक पम्पकिंस और कुछ भी लाइक फॉल काइंड का डिकोर। एंड मैं बहुत ज़्यादा पैसे भी स्पेंडिंग करना चाहती हूँ इस काम के लिए। सो उसके लिए हम आज जाएंगे थ्रिफ्ट स्टोर या फिर माइकल्स, जहाँ से हम कुछ DIY कर पाएँ। सो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो मैं बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सो मैं ऑलरेडी जाने वाली थी, पर हस्बैंड ने कहा कि वो भी मेरे साथ आना चाहते हैं। फिलहाल वो अपनी किसी मीटिंग में गए हैं और उसके बाद हम दोनों जाएंगे कुछ नन्नी मन्नी सी पेट पूजा करके। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत सारे दिन मेरे अच्छे नहीं गए। मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँ। मुझे लगता है कि मैंने व्लॉग शूट नहीं किया है कितने दिन हो गए। लास्ट व्लॉग मैंने शूट किया था 26 अगस्त को, मेरे बर्थडे वाले दिन। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई है। और आज कितनी तारीख हो चुकी है, और आज हो चुकी है 8, आज 8 सितंबर हो चुकी है। सो 8, 4, 10, 11 दिन हो गए कि मैंने वीडियो शूट नहीं किया। उसके दौरान क्या हुआ कि जब मुझे पता चला, सुबह उठ के मैंने अपना इंस्टाग्राम चेक किया एक दिन, एंड उसमें सिद्धार्थ शुक्ला की फ़ोटो थी और लिखा हुआ था RIP। एक्चुअली मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिन के बाद मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। एंड मुझे लगा कि किसी ने मजाक किया है। और मैंने जब नीचे आकर TV देखा तो हर जगह वही न्यूज़ चल रही थी कि उसकी डेथ हो चुकी है। इतना ज़्यादा मुझे बुरा फील हुआ, इतना सैड, आई डोंट नो क्यों। मैं उसकी इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं थी, ना ही मैं उसे फॉलो कर रही थी कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, पर क्योंकि मैंने बिग बॉस देखा था तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी एंड पसंद है, क्योंकि वो फुल ऑन पैकेज था, एक बहुत ही मज़ेदार, फनी, ह्यूमर, चुलबुला एंड रोमांस, लव एंड ऑल्सो लाइक गुंडागिरी, सब कुछ था उसमें। सो मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ कि यार हम लोगों की ज़िंदगी कितनी फ्रजाइल है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना फिटनेस फ्रीक बंदा सुबह उठेगा नहीं, लाइक वधिया बढ़िया खाने वाला इंसान, अच्छा हेल्दी दिखने वाला बंदा सुबह नहीं उठेगा एक दिन अचानक, कि ऐसे हो सकता है हमारी ज़िंदगी में। हम ये सारे ये जो मेन मुद्दा है ज़िंदगी का डेथ, इसको भूल के हम आलतू फालतू चीज़ों में लगे रहते हैं और भूल जाते हैं कि ये भी आने वाली है। पर ऐसे इंसिडेंट हमें दोबारा से लाइक यू नो हिला के रख देते हैं कि दिस इज़ रियलिटी। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, ज़्यादा अपनी ईगो में मत आओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे सारे लोगों की सच्चाई यही होने वाली है। और मुझे इतना बुरा लगा कि मैं मेरी नॉर्मल दिन की लाइफ में भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और रात को मुझे सपने भी सिद्धार्थ शुक्ला के ही आ रहे थे, बहुत मुश्किल वाले मेरे दिन निकले और मैं रोई भी, लाइक आई डोंट नो। अगर आपको ऐसा फील हुआ है सिद्धार्थ की डेथ के साथ, प्लीज़ मुझे बताना। मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था और बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए कि वो भी रिलेट कर पा रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही फील हो रहा है उन्हें भी। सो मुझे सही लगा कि मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि यार जब किसी की डेथ होती है ना ये सेलिब्रिटी वर्ल्ड में, तो लोग एक एक पोस्ट अपलोड करते हैं, लाइक आज डेथ हुई है, आज एक पोस्ट अपलोड होगी और एक घंटे के बाद वो अपनी नाच गाने वाली डांस वाली वीडियो अपलोड कर देते हैं। मतलब कि वो फ़ोटो शेयर करते हैं सिर्फ शेयर करने के लिए, उनके दिल में ऐसे फील नहीं होता है कि कुछ सैड हुआ है। राइट आफ्टर डांस कर रहे हैं वो, फ़नी वीडियोज़ बना रहे हैं, आई डोंट नो उनका काम भी है एक्चुअली,
पर मुझसे तो कुछ बना ही नहीं, अपलोड भी लाइक मुझसे ना कुछ अपलोड हुआ ना मैं वीडियो बना पाई। मुझे तो ऐसे लगा कि कोई बहुत ज़्यादा नज़दीक ही चला गया है। मुझे नहीं लगता कि आपने मुझसे कभी भी किसी सेलिब्रिटी की बातें सुनी होंगी, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट ही नहीं होता, ना ही किसी हीरो की सुनी होंगी, ना ही किसी की खुशी या तकलीफ वाली मैं डिस्कस ही नहीं करती हूँ ये बातें, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं टीवी देखती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ, पर मैं इतनी बातें नहीं करती हूँ। पर ये शुक्ला की ये जो बातें ना मुझसे भूल ही नहीं रही मुझे, लाइक बहुत मुश्किल हुआ। अब मैंने क्या किया है कि मैं वो वीडियोज़ ही नहीं देख रही हूँ जिसमें उसकी वीडियोज़ हैं या शहनाज की हैं, तो देख ही नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे तो प्लीज़ मुझे बताना। सो यहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी एनर्जी लेके आऊँ, हैप्पी फील करूँ, अच्छा फील करूँ, क्योंकि ये तो ज़िंदगी है, लाइक ये ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई तकलीफ़ आती है ना, तो आपको और ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। सो हमने सोचा है कि आज हम प्यारा सा शॉपिंग करते हैं, क्योंकि बाहर जाके थोड़ा मज़ेदार फील होता है, चीज़ें खरीद के पैसे लगा के मज़ा आता है, तो थोड़ा शॉपिंग करके आते हैं एंड मैंने सोचा कि व्लॉग भी बनाते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो आज है अगला दिन। कल वीडियो शूट करने की कोशिश की गई थी, पर हस्बैंड अपनी मीटिंग से लेट हो गए और उसके बाद हम लोग गए कॉस्को एंड काफ़ी ज़्यादा समय हो गया और हिम्मत स्कूल से आता है 3 बजे, तो हमें बहुत रन करके सारे काम करने पड़े। सो हमने फॉल की शॉपिंग नहीं की, पर आज हम जा रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है, सो वो भी आ रहे हैं। सो हम दोनों जा रहे हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि कोई अच्छी अच्छी चीज़ें, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें तो चाहिए नहीं, मैं बस 2-4 चीज़ें लाना चाहती हूँ जो कि मुझे फॉल की वाइब दे और घर थोड़ा कोजी एंड वार्म लगना शुरू हो जाए, क्योंकि फ़िलहाल मेरा घर समर जैसा लगता है क्योंकि हर तरफ ग्रीन है। सो यही मेरा आज मेरा मकसद यही होने वाला है। सो आज बाहर थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो गया, आज मैंने कोटी पहन ली है, ये स्वेटर। सो यस, स्वेटर वेदर आ चुका है और अब मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कहते हुए मिलूंगी कि आज मौसम बहुत गर्म है, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है। ओए मैं तो दिल्ली ले आंदा वे, दस ना मेनू क्या थे कदों, तो सुनया नहीं कदों गया, मैं कह तो दिल्ली दही बनाया थे वो ले ले, मैं कदों जदों मैं थल्ले आंदी। मैं साथ में इस तरह के जाता हूँ कि आप पैसों का थोड़ा सा कंट्रोल करो। हाँ। के ना मेनू लगा कि प्यार प्यार तो है ही यार। ओहो, मुझे लगा प्यार है। साथ में आपके एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी जा रहा है। रोक कर आगे करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था, बकवास बेकार कुत्ता टट्टी जमा ही बेकार खस्ता। ओके सो हम जा रहे हैं, देखते कुछ मिलता है या नहीं, क्योंकि मैं ना कल शाम को मेरे ये पास वाले थ्रिफ्ट स्टोर में भी गई थी, वहाँ पे कोई नहीं था डेकोरेशन या कुछ भी नहीं था फॉल से रिलेटेड, या तो लोगों ने ऑलरेडी खरीद लिया है या कुछ है ही नहीं उनके पास। देखते हैं यहाँ पे अपना लक आजमाते हैं कि कुछ है या नहीं। एंड यस एंड हस्बैंड बादाम खा रहे हैं, उसके बाद इन्होंने कुश्ती करनी है। ओके तो मैंने हस्बैंड को आगे कोटी पा लो, कोटी वेदर आ गया, पर इन्होंने पाई नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप जो बनते हैं फैशन से डीवा, तो फिर वो ठंड लगाओगे। सो हैलोवीन करना ना सामान है नहीं है, सॉरी ये फॉल का, ये पम्पकिन कुछ ही है, मुझे ये वाला अच्छा लगा ये, पर यदि प्रॉब्लम आ कि महंगा है और वैसे भी ना थोड़ा ब्रोकन गया, लाइक $7 नहीं मैं स्पेंड करूँगी, वो 10-12 तो 12 आ जाऊँगा। सो इनके पास है नहीं ज़्यादा सामान, नॉट हैप्पी, लेट मी फाइंड सम गुडीज फ्रॉम हियर। ये डॉल्स के लोगों ने डब्बे भी नहीं खोले, अन्या मुझे स्केरी लगती है ना ये। ओके सो ज़्यादा कुछ चीज़ें मिली नहीं है, पर एक चीज़ ऐसी मिली है जिसको मैं लेना चाहती थी, वो है ये ब्यूटीफुल सा ऑयल लैम्प। एक्चुअली हस्बैंड ने ढूंढा है इसे, मेरे यहाँ पे आने का एक बहुत बड़ा मोटिव यही था, क्योंकि जब बाहर ठंड होती अंदर धीमी धीमी लाइट जलती कितनी अच्छी लगती है ना। सो देखो ब्रांड न्यू मिल गया, मैं इसको डिटेल में घर जाकर दिखाऊंगी आपको, ये बहुत ही क्यूट है। थैंक यू पति। और इसका टूम्बा भी बाहर निकल आता है, या अगर आपने इंडिया में यूज किया होगा आपको पता है। सो नहीं इंडिया से इतना स्क्रॉल थोड़ी ना होता है। अच्छा
क्योंकि फिर कटना होता ना जो जल जाता। हमारे घर शुरू से जनरेटरों वाले हैं यार, इसका जो मजा ना वो अलग ही है। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बिल्कुल यूज नहीं हुआ, आप देख सकते हैं इसका ये जो लाइटनिंग वाला धागा है वो पूरा क्लीन है। सो हस्बैंड इस चीज को देख के हैरान हो रहे हैं कि इसको उठाओ तो निकल जाता है। पति को कुछ पता नहीं है गाइस, पति इज अ न्यू गाय। सो यहाँ से ऑयल डाल सकते हैं, मुझे पता नहीं ऑयल कौन सा डालना है पर देखेंगे अब क्या करना है, पर खूबसूरत है और 499 का है सिर्फ। वैसे ना जो चीज तुम तक क्या हो तो उन्हें मिल जाती है यार, ये दैट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज अ प्योर फिनलैंड ऑयल। ओ मिट्टी के तेल वाला होना ना। यस ऑलराइट दोस्तों, तो थ्रिफ्ट स्टोर से हम आ चुके हैं, हमें काफ़ी अच्छी प्यारी गुडीज मिली हैं एंड अब हम जा रहे हैं लालटेन के लिए, हमारी वो ऑयल लैम्प के लिए ऑयल लेने के लिए, और उसके बाद देखते हैं कि और क्या करेंगे। एंड मैं लेने वाली हूँ स्नैक ब्रेक, बनाना खाने वाली हूँ। एंड हस्बैंड शेयर कर लोगे थोड़ा हाफ हाफ खा लिए। हस्बैंड बिजी गाइस, ही इज बिजी टॉकिंग टू पीपल। ओके दोस्तों, तो ऑयल मुझे मिल चुका है, बड़ा ऑयल सस्ता है छोटा ऑयल महंगा है, सो मैंने बड़ा ऑयल ले लिया है एंड चाबी ले ली उसके साथ। स्टिल बिजी अगला स्टॉप है लॉन्गो, क्यों हम लेंगे चिकन और मुझे इनकी बेकिंग चीज़ें अच्छी लगती है। अगर यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया तो मैं सोच रही हूँ वो कॉब्स ब्रेड में जाऊँ, कोई रोल रूल ला ली, भूख लग गई। तो यहाँ पे भी किचन है और यहाँ पे भी फूड है फ्रेश, आई कैन ईट समथिंग फ्रॉम हियर। Like two leather bags leave footprints on the beach as we walk through the sand. We'll grow old like two leather bags. पति को यहाँ से चिकन खरीदना अच्छा लगता है ऑर्गेनिक, बस वो अपने चिकन वाले एरिया जो ला लिया चिकन, नाउ ही इज रोमिंग अराउंड वेस्टिंग सम प्रीशियस टाइम। सम देसी लता, देसी देसी लता। गाइस मेरा बालों का रंग उठ गया, सब्जियां सब्जियां अपने जो आपको बिरयानी भी बनानी हो, बिरयानी च कोई सब्जी नहीं बनी, प्याज पहले से टमाटर वी हैव इट, तो जब आप करी बनानी हो फिर लहसुन अदरक सब कुछ हैगा प्यारी है, अनलेस प्यारी है तो मेडिटेरियन बनाना या कुछ और बनाना। मेडिटेरियन मील बनाना है, खिचड़ी बना लो फिर। ओके सो हस्बैंड ने 500 घंटे बाद दो चिकन ही लिए, बस दैट्स माय हस्बैंड, सॉरी गाइस ही इज लिटिल स्लो। पे करो यार, ये जो पति नाल होता उदो कुड़ियां नहीं पे कर दिया, गर्लफ्रेंड्स नहीं पे कर दिया। ओ जो पति किसे दा पति किसे दी कुड़ी नाल होता फिर आए थी, जो अपनी पत्नी ना होता देन इट डजंट रिक्वायर चल गया। तो मैंने और किसी का पति लगना पैना हो पे कर। गाइस ये सच है, अगर कोई पति देख रहा है तो प्लीज बताना कि आप भी ऐसे ही करते हो कि अपनी पत्नी को नहीं पे, अपनी पत्नी खुद पे करे और आप दूसरे की पत्नी। ये अच्छा ट्रिक नहीं है आप लोगों का, दूजे ने कुड़ियाँ फसान ली तो बिल देंदे रहने तो अपनी पत्नी ले ही नहीं देंगे। अरे मीना तुम बहु ब्रेड वाली दुकान ले जाओ। ओके इनके पास अच्छे बंस हैं, कोई मैं सोचती हूँ कि क्या लूँ। ओके सो हमने ली है ब्लूबेरी चीज डेनिश, खूबसूरत लग रही है। पहले मैं सॉल्टी वाला खाऊंगी, मशरूम एंड चीज। मेलबर्न में बहुत सारी ऐसी एशियन बेकरीज थी जहाँ पे बहुत मज़ेदार रोल्स बनते थे, आलू वाले, चिकन वाले, श्रिम्प्स हैं, सो मैनी ऑप्शंस। तो ये वाला स्टोर ना वो स्टोर की वाइब देता है, आई डोंट नो ये कैसा होगा। आई मिस दोस पाइज, यू नो फेटा एंड चीज और चिकन करी पाइज। Seasons, but you know that shit ain't my style. No, no. I just
father, OG's always been it for me. Yeah, he saw me when nobody would, and he loved me good, through the bad and the ugly. He never got a knock on wood, tell him, baby, don't worry. I don't need distractions, I don't need the fun, I just want the one that's been it since the day one. I don't buy the cheap pills, I just get the fun. Okay, so the milk guy is pretty scary. See, dukaan pe jo ki farmers की है, लाइक ये खुद ही उगाते हैं और यहीं पे बेच रहते हैं चीज़ें, तो देखने के लिए कि क्या हमें पसंद आता है. ओके, सो ये सारी सब्जियां, टमाटर, मटर सब कुछ बिक चुका है. सो वी हैव हियर सो मैनी टमेटोज, ऑर्गेनिक है, वाटरमेलन इंडियन स्टाइल, अठन आया छोटा किन्ने का दो या कोई भी अठन दे ही how much for the smaller one? So those, these are all $8. I would suggest you get a bigger one. Okay. If you're gonna get one. Yeah, yeah. The heavier the better. These watermelon, they're red, but they all have seeds. Yeah. They're not seeds. I actually like these better. These are sugar cubes. They're like cantaloupes. Yeah. Okay, we can try that. These are better. I mean, I have not tried one of these this year. So I can't tell you exactly what it's going to taste like. Okay. But how's that? Did you get the customer reviews? Are they no, like I tell the customers to tell me, because sometimes they all look the same, but sometimes when they come out of the field, they're not quite ripe, but they all look the same. So mm-hmm. when do you pick them, right? Mm-hmm. So what I tell the customers, if you get one that you don't like, it's not ripe, I'll give you something else. Okay. When you come back. It's just hard for me to tell. Heavier it is, yeah, the better. Yeah, heavier is the better because it gets full more of water. Right? Yeah. So if you buy this and it doesn't work out, you come back, we'll give you something else. Because it's just hard to tell if it's 100% right. गाइस, हस्बैंड ने ये हदवाना लिया है, ये बिल्कुल इंडिया जैसा है जैसा हम वहाँ पे खाया करते थे, पर ये $8 का है, बेशक छोटा लो या बड़ा लो. सो कोई छोटा क्यों लेगा, मुझे लगा कि अगर छोटा ट्राई करने के लिए लें तो आधे प्राइस का मिल जाए शायद, पर कह रहा नहीं. वो मैं सोचती हूँ खरबूजे ले लिए, कहना ओके. हम लोग वैसे आए थे टमाटर लेने के लिए, अनियन टमाटर मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, पर ये वाटरमेलन मुझे बिल्कुल इंडिया जैसा लग रहा है. और ये खरबूजे आज ये गाय ने, फार्मर ने ट्राई भी किए हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत मीठे हैं. तो एक वाटरमेलन ले लेते हैं, एक दो खरबूजे ले लेते हैं, बहुत दो ला लो. अभी देखते हैं कि अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर जूस निकाल सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे चुकंदर्स भी हैं. Do we have some to get the back as well? All we've got in the back right here, we're drying our onions, but we have onions here. Well, peppers we had there, look. Hot peppers, sweet peppers. These are all hot. Oh. These are all sweet. Okay. So these are, they're not too hot, they're a little bit hot. These ones here, extremely hot. Okay. Habanero. So how much for these ones? So these ones here? Yeah. These are the poblanos. So $3 for four of them. Yeah, I'll get one of these. थैंक यू. सो मैं ये वाली मिर्च लेने वाली हूँ, इसको ना आलू भर के बना लेंगे. अच्छी है, शिमला मिर्चा है पर थोड़ी तिखिया है उदे नालो. मैं क्या आलू पा रहा ना सर. सो हमने लिए हैं हदवाना, खरबूजा एंड पेपर्स. थैंक यू सो मच. ओके दोस्तों, तो हमने ले लिया है वाटरमेलन, अब खा के देखेंगे. वो जो फार्मर है उसे भी नहीं पता है कि अच्छा है या नहीं, उसने कहा है रिव्यू देना. और आप भी यहाँ से सब्जियाँ ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो. वधिया मज़ा आ रहा, ये वाला एड्रेस है, यहाँ पे आके आप खरीद सकते हैं. ये मैं साइड पे आपको दिखा दूँगी, स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है. यस, या आई एम एक्साइटेड टू ट्राई शिमला मिर्च. तो यार ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आप अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हैं. यहाँ पे एप्पल्स भी होते हैं, फूल भी होते हैं, और अब पम्पकिन सीजन आएगा तो यहाँ पे ये खूब सारे पम्पकिन लेके आएंगे, तो आप पम्पकिन खरीदने के लिए आ सकते हैं. तो यहाँ पे अच्छा पम्पकिन पैच बनने वाला है. सो यस, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ. थैंक यू, बाय. ओके, सो इसका समय है वीकडेज में 9 एंड वीकेंड्स में 9 to 5. सो प्लीज विजिट दिस ब्यूटिफुल फार्म. ओके दोस्तों, वैसे तो मैंने फार्म का वो आपको नाम एंड एड्रेस एंड टाइम सब कुछ बता दिया है, पर ये अगर आपको फिर भी पता नहीं चला है तो ये बर्लिंगटन में है. आप गूगल सर्च करें, गूगल मैप में अपलोड करें तो सीधा यहाँ पे आ जाए. अगर आपको ऐसे फ्रेश चीज़ें खरीदना अच्छा लगता है और सानू मजा आता है तो ये ले लेते हैं. वॉकर्स लेन बर्लिंगटन में है ये. सो यस, दैट्स इट.
और अब हम डेफिनेटली घर जाने वाले गाइस. लुक एट दीज मुर्गियां, ये मजे से खाना खा रही हैं. तो हम जब हमने फ्रेश अंडे लेने होते हैं तो यहाँ से लेते हैं हम. मैं आपको ना इसकी भी डिटेल बता दूंगी. ऑर्गेनिक अंडे, और ये इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी से खाती पीती हैं. तो अंडे इनके सबके अलग अलग दिखते हैं, बहुत मजेदार होते हैं. बाहर के स्टोर से थोड़े महंगे आएंगे पर स्वादिष्ट होते हैं. स्नान करता पाया, पता मेनू पहला लगा कि कद्दू आ, जेडे कद्दू नहीं होंगे वे वे ग्रीन. रोटी खा के ते फिर फोड़ांगे. मैं तो वेट होनी है, रोटी खाके फोड़ांगे. एक सेकंड लाना मैं. ओके दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है या नहीं बताया होगा, तो अब बता देते हैं. जब भी हम वाटरमेलन लेके आते हैं, वाटरमेलन पहले तो मेरा फेवरेट फ्रूट है. वाटरमेलन मेरा नंबर वन है बहुत सालों से. एंड जब भी हम लेके आते हैं, सबसे पहले मैंने टाकी लगा के देखना होता है कि मिठा है कि नहीं. फिर वो डिसाइड करता है मेरा दिन कैसा जाएगा, अच्छा या बुरा. क्योंकि अगर वो मीठा होगा तभी मैं प्लेट भर के खा लूँगी एंड हिम्मत खा लेगा एंड पति को भी दे दूँगी. अगर फिक्का होएगा फिर दुखी होंगी मैं, और फिर मैं सोचूंगी कि इसका जूस बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. सो अब जल्दी से देखते हैं कि मीठा है या नहीं. अच्छा, तो मैं एक्स्ट्रा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये असी खेत जो लिया है ना, स्टोर जो नहीं लिया. ओके दोस्तों, समय हुआ है 2:40, हिम्मत आएगा 3 बजे. ये सो वाटर, ओ बड़ा वो लक्की टूट जाना तो बड़ा पर है वो. हाई जी दादा चौके लिया घर हस्बैंड और मैंने ये हदवाना पता क्यों चूज किया, एक $8 का ही जेड़ा मर्जी लो. तो ये सबसे बड़ा था ये. ओह माय गॉड, आई एम सो स्केयर्ड प्यार. ये दैट्स नो बैड. ओह माय गॉड, बाप बीज तो है ही नहीं है. इसका टेस्ट तो बिल्कुल इंडिया वर्गा है. मैं तो नू ना इंडिया का हदवाना याद आया ना, तू देखियो होनी. एक सेकंड, ओए अद्दा काफी ओ तो ताया. जो यहाँ पे वाटरमेलन मिलते हैं ना सीडलेस होते हैं, आपको पता ही होगा जो यहाँ पे रहते हैं. अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे ज्यादातर जो वाटरमेलन होता है सीडलेस होता है, और ये वाला है सीड वाला जैसे इंडिया में हुआ करता था. तो मैं हस्बैंड को बता रही थी कि इतने ज्यादा सीड्स होते थे वाटरमेलन में कि जब हम खाते हैं ना तो मुंह भर जाता है सीड से. तो हम ऐसे ऐसे AK-47 जैसे सीड्स को उछालते थे. और मैं इनसे पूछ रही थी कि तुम भी ऐसे करते थे, इन्हें याद नहीं है. आप बताना कि आप ऐसे करते थे, मुंह में भर जाता तो करके गन्ना चलाम देखिए. इंडिया की सीडलेस खाते होते मतलब खाते ही नहीं. इंडिया जब सीडलेस वाले, एक्चुअली वो भी सीडलेस नहीं सी, जैसे यहाँ पे वाटरमेलन दिखता है वैसे दिखने वाला इंडिया में भी आ गया था, पर उसमें भी सीड्स होते थे. बहुत मजेदार, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस परचेज. सो ये वाटरमेलन आया है $8 का, पर काफी बड़ा एंड काफी हैवी है. और हिम्मत को भी पसंद है वाटरमेलन, मुझे पसंद है, तो हम जल्दी खा लेंगे. और इनू इन्ने सीड्स है, इनू उगा भी लेने हैं बीच अगले सीजन तक हो जाएंगे. ओके दोस्तों, सो ऐसे आपको वाटरमेलन को काटना है. मेक श्योर करें कि आवली चीज थल्ले वाली फ्लैट हो ना. फिर दस एंड साइड्स उतार लो एंड देन स्ट्रेट कट. एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, वो पूछ रही थी क्योंकि वो मेरे घर आई थी, तो मैंने ऐसे काट के उसके बच्चों को दे दिया. बच्चों के लिए खाना भी ऐसे बहुत आसान होता है ना, और मैं ऐसे काट के फ्रिज में रख लेती हूँ, फिर इधर उधर जाते आंदे एज अ स्नैक काट काट के खाइयो. दिल धड़कने दो. चलो अब खरबूजा काटते हैं. ओ यार, अभी टेस्ट करना. हाँ. ये वाली पेपर्स लेके आई हूँ मैं, शिमला मिर्च जैसी है, मतलब मोटा छिलका,
एंड खुशबू इतनी ज्यादा ना अच्छे, और ये थोड़ी स्पाइसी है। इसमें मैं आलू पार के शिमला मिर्च बनाऊंगी, और ये खरबूजे छोटे छोटे लेके आए हम 3-4, इसकी खुशबू बहुत ज्यादा है। लोगों ने कहना कि सब्जियां की ले आए तो खुशी बढ़े, पर जिंदगी की छोटी छोटी खुशी होती है मेरे दोस्तों। सानू उन सोने ना क्या और लग्जरी से मटीरियल चीजों से हम खुश नहीं होते, सिंपल सादी चीजों से खुश होते हैं। वही दिखाएंगे साला, रोज हम गाड़ी खरीदने चले हैं, गड्डी खरीदांगे तो मैं दिलाऊंगी दिखानी है। और क्या कल क्या दांत की फिलिंग कराई वो दिखाए। प्यार ये तू दांत लगा हाँ लगा मुझे आपने खरबूजा काटते हैं दोस्तों, ये भी ना इंडिया वाली कुछ होते हैं। लुक एट दिस शो गाइस, लुक एट द कलर। सो एनु कटन ली ना मैदा कर लेने नहीं खा ले बंदा मेरा आराम ना बहुत टेस्ट करे हो खुशबू ही नहीं है मैंने ये यार बिल्कुल इंडिया का बेस्ट। इंडिया में नहीं याद है खाने तो बाद खाते थे रात में एंड सेम एंड इट्स बीन 25 इयर्स कि मैं ये खा रहा हूँ। 25 साल की बात, 25 साल तो नहीं, तू ये 2012 से खाते होने गर्मियों से या दोपहर खाते रहे हैं गरम गरम दोपहर से ठंडा ठंडा खरबूजा। मैं मजाक करता हूँ, 25 साल नहीं हुए, 2012 से खाते हैं। आप पता कितना खाते रहे हम गनी दोपहर में सुए जाते थे नहाने, घर वाले जाने नहीं देते थे हम, इतनी गर्मी पिंडे पे लगती थी हम से रहा नहीं जाता था, हम सुए जाना नहाना डूबने का डर, फिर वहाँ पे खेत पास आस पास खेत होने उठे लगे होंगे थे, फिर हमने चोरी करनी बहुत कम होता है कि मुझे ऐसा खरबूजा मिले यहाँ पे, हमेशा हार्ड ही होता है, पर जब भी इतना अच्छा मिले बाजार से तो मैं चटपट खत्म कर लेती हूँ। जब फ्रूट अच्छा है तो फिर आप जल्दी खा सकते हैं। क्या है सीजनल आ तुसी क्या बात जाओगे पता नहीं तुसी कदों वेखना उठे जाओगे, जरूरी नहीं है कि तुहानू मिले हुणे, क्या तुसी ए ना लोकी 2 महीने बाद चले आंदे कोई मिले। सो ये जो सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं ये सीजनल हैं, और यहाँ पे इतना ज्यादा लोग खुश होकर चीजें खरीदते हैं कि चटपट मुक जाती हैं, और मुझे नहीं पता कि आप कब जाओगे। सो आज ये अवेलेबल है, ये जरूरी नहीं कि अगली बार भी होगा, अगली बार कुछ और होगा। आप वो फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, पूछ सकते हैं उनको, वो बता देंगे आपको। लाइक टमाटर है, अनियन है, शिमला मिर्च है, तरह तरह की मिर्ची है, बीटरूट थी आज, लीक थी एंड और क्या बीन्स भी थी आज। सो ऐसे वो आपको बता सकते हैं कि उस दिन क्या अवेलेबल होगा, क्योंकि हर दिन हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, वैसे भी सर्दियों में तो बंद ही हो जाएगा। ओके दोस्तों, फ्रूट्स के बारे में जानकारी बहुत होगी, मुझे पता नहीं है कि तो नई इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं, पर अगर आप आपकी उम्र बढ़ रही है हमारी तरह तो ये चीजें आपको काफी खुशी देंगी। ओके बाय। अच्छी उम्र तक की लिंक जितना सानू घर दी डेकोरेशन लाके खुशी मिलदी है, बचपन से थोड़ी मिलदी, उम्र दे तक आ जाना चीजें डिफरेंट लगना पड़ गया। बचपन से खरबूजे नालो आइसक्रीम ज्यादा चंगी लगदी, पर हुन आइसक्रीम नहीं लगदी, खरबूजे ज्यादा चंगे लग गया। अच्छा ओके, सो हस्बैंड लेके आए हैं चिकन, या तो वो करी बनाएंगे, शायद करी बनावांगे आज क्योंकि कल भी हमने राइस खाए थे, देखते क्या करते हैं। पर अब मैं और पति थोड़ा रिलैक्स करेंगे ये सामान समेट के, और आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। चंगा दोस्तों, खाने के बाद हमने वीडियो नहीं बनाई, वो इसलिए क्योंकि हमारा अचानक से प्लान बन गया है 1-2 दिन के ट्रिप का,
तो उसकी तैयारी में लग गए, थोड़ा फूड कुक किया मैंने, बिरयानी कुक की एंड कपड़े वॉश किए. अब मैं ना पैक करने वाली हूँ, 10 बज चुके हैं ऑलरेडी. अब मैंने किचन को क्लीन किया और हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, बस इधर उधर घूमी आने गवाची गाँव वागू. प्यार यही है. ओके दोस्तों, तो फिर आज के व्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं. हमने की खादा, हमने फ्रूट खाए थे और कल मैंने एक्चुअली ना बैंगन को फ्राई करके लाइक पकौड़े किस्म के बनाए थे, तो उसके साथ हमने चाय पी ली और उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया. अब हम मैं पैकिंग करने वाली हूँ थोड़ी सी और आपको कल मिलती हूँ मैं नए व्लॉग के साथ और नई जगह पर. और अगर आपको ये प्यारा सा व्लॉग आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग.